तरीके से पूरा सर्च से भरा हुआ है। 40 रुपए से भी ज्यादा पर किलोमीटर का रेट दिया है तो मेरी एयरपोर्ट की ट्रिप बंद हो गई 24 घंटे के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइज। और अभी के जो है ना वो बज रहे हैं 4:51। लॉग इन हूँ मैं 4:30 बजे से। सो गाड़ी क्लीन वगैरह करके मैंने लॉग इन तो कर ही दिया था। सोचा कि कोई अगर अच्छी रेट में बुकिंग आएगी तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज फिर बंद करके 5 बजे तक लॉग इन करता हूँ। बट एक भी बुकिंग अभी तक नहीं बजी है, इसका मतलब कि बुकिंग स्लो है। 5 बजे तक देखते हैं क्या बचता है क्या नहीं बचता है। ओला भी चालू रखा है मेरा। ओला में जो है ना वो 1100 रुपये माइनस में था। तो कल जो रात को मैं ट्रिप लेके आया वो ट्रिप जो है ना वो ऑनलाइन वाली थी, तो इसका मतलब कि वो जो है ना अराउंड 600 रुपये के आसपास जो है ना वो मेरा इक्वल हो गया है। तो अभी जो है ना 553 बाकी है। तो सोच रहा हूँ कि अगर कोई ट्रिप आएगी ओला में तो ले लूँगा ताकि वो क्लियर हो जाए, और ऊबर में आएगी तो ऊबर में ले लूँगा। और रैपिडो वगैरह अभी तक मैंने चालू नहीं किया, पहले इस दो को चेक करते हैं उसके बाद धीरे धीरे चालू करेंगे। ट्रिप रेडार में आ रहा है 28 किलोमीटर डोंबी वाली, बट ये नहीं लूँगा मैं। सिग्नल है, एक बार में तो नंबर आएगा नहीं, देखा पूरा पैक है। सो सेकेंड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा अपने को। मेरे को जाना है राइट। सो बुकिंग आ चुकी है जो है ना, ये 2 घंटे की रेंटर है। सो मैंने एक्सेप्ट कर ली बिकॉज ऑफ इससे पहले जो है ना एक बुकिंग आई जो की थी सेंटा क्रूज वेस्ट की। भाई 1.5 घंटा दिखा रहा था उसमें। वो वेस्ट में पहुंचने के लिए जो है ना वो 1.5 का 2 घंटा कभी हो जाएगा ना समझ में ही नहीं आएगा, इतना ट्रैफिक में गाड़ी चलाओ। और ये बुकिंग आया है मुझे जो कि 2 घंटे का है 25 किलोमीटर, और ये बुकिंग जो मिली है वो 2 घंटे की है 25 किलोमीटर, इसमें गाड़ी चलेगी और 600+ अमाउंट था। तो मतलब समझ लो मुझे 550 रुपये से ज़्यादा ही मिलेगा। अगर उतना भी मिला तो मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि गाड़ी मेरी कम चलेगी और टाइम जो है ना जितना मैं अंधेरी में पहुंचूंगा उतना ही टाइम लगेगा। फिर रात को देखते हैं भाई 7:30 बजे तक ये अपने पास राइड है। अभी कैसा होता है एक एक दो दो घंटे की रेंटल बचती है, तो क्या होता है कि पापा को लेने जाना होता है या फिर पापा को विसर्जन के लिए जाना होता है, तो ऐसी बुकिंग छोटी छोटी अभी बचेगी। जो राइड में यहाँ से लेके जाऊँगा मुंबई साइड उतना ही अमाउंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। शायद ये 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है या 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है, जितना भी टाइम लगेगा प्राइस अपने को अच्छा मिलेगा। बस कस्टमर को है ना मैं लेके आया था, पहला ड्रॉप मतलब उनको जाना था सीवुड नेक्सस मॉल में, ये सामने जो है ना नेक्सस मॉल है तो वहाँ पे मैंने उनको छोड़ा था। अभी जो है ना कॉल आ गया है कि अभी जो है ना लास्ट स्टॉप जो है ना चेंबूर है। देखो भाई 40 मिनट दिखा रहा है चेंबूर। सो अभी उनका कॉल आ गया है, मैं उनको पिकअप करता हूँ और चेंबूर में ड्रॉप करूंगा और उसके बाद अपनी रेंटल हो जाएगी खत्म। मैं वहाँ से BKC ही जाऊँगा अगर बुकिंग नहीं मिलती तो। एकदम मस्त राइड थी, इतना अमाउंट तो जो है ना वो मैं संडे को पहुँचता तो भी नहीं मिलता। 576 रुपीज मिल गया इसमें और टाइम लगा 1 घंटा 35 मिनट। आधे घंटे पहले मेरी राइड खत्म हो गई। बीच से अगर बुकिंग आएगी तो ले लूंगा, नहीं तो है ना डायरेक्टली BKC चलता हूँ। कुरला BKC की तरफ थोड़ा थोड़ा सर्च चल रहा है, BKC पूरा सर्च से भरा हुआ है। और ये देख लो प्रभा देवी साउथ मुंबई भी पूरा सर्च से भरा हुआ है। के ऊपर से ही ट्रैफिक जाम है भाई पूरा आगे की तरफ। भाई इसमें बुकिंग आ भी गया तो मैं कभी पहुंचूंगा भाई? कस्टमर थोड़ी इतना वेट करेगा यार। सर्ज वाले एरिया में तो आ गया हूं मैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैफिक है और बुकिंग ली है मैंने ओला से। पिकअप है ये जियो कन्वेंशन सेंटर से। मैंने कस्टमर से बात कर लिया, बोला है कि टाइम लगेगा। सो बोला है कि चलेगा, कोई बात नहीं आराम से आओ करके, उनको भी पता है ट्रैफिक है। भाई मुझे अभी पहुंचने के लिए 15-13 मिनट दिखा रहा है कुछ। कोई बात नहीं भाई, बहुत ही अच्छा अमाउंट है 8.5 किलोमीटर का 400 रुपये दे रहा है। 45 मिनट्स दिखा रहा था, मतलब 1 घंटा लगेगा तो भी चलेगा। 9:15 हो गए, अभी मैं पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पे। जो है ना ओनली 65 गाड़ी है तो मैं ना एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। मुझे ना 12 मिनट दिखा रहा है पहुँचने के लिए। प्राइस देखो 391 रुपीज दिया है ओला ने सिर्फ 8.5 किलोमीटर का, 50 मिनट लगा है मुझे। अभी मैं सर्विस रोड से आ गया। 40 रुपए से भी ज्यादा पर किलोमीटर का रेट दिया है। खाली है पूरा एयरपोर्ट। वर्ली चलता हूँ भाई, वर्ली की बुकिंग ली है। मैं पिछले कुछ दिनों से ना एयरपोर्ट का यही हाल है, देखो कोई कस्टमर नहीं है, पूरा खाली पड़ा है यहाँ से लेके यहाँ से। अदरवाइज इधर इतना रश होता है ना कि क्या बोलूं। 10-20 हो गए और है ना वर्ली में ड्रॉप कर दिया मैंने भाई 35 मिनट के आसपास लगा
और नेक्स्ट ट्रिप जो है ना वो मिल गई उबर में वापस से, एडवांस में ही आ गई थी। ये ट्रिप जो है ना गिरगांव लिखा हुआ था, गिरगांव की है ट्रिप, सो मैंने ले ली, मतलब उस साइड ही जाना था, अदरवाइज नहीं आती तो मैं फिनिक्स मॉल के यहाँ पे चले जाता, बट गिरगांव की बुकिंग आ गई है तो अभी चलते हैं गिरगांव। भाई साहब ने ना कैंसिल कर दी बुकिंग, अभी यार चलते हैं, ₹15 मिला कैंसिलेशन चार्ज, सो अभी चलते हैं कहाँ पे, फिनिक्स मॉल के यहाँ पे। तो वापस से बुकिंग आ गई, उधर से ही जैसे ही कैंसिल किया वैसे ही आ गई अंधेरी ईस्ट की। ये मैं आ गया भाई बिल्डिंग के अंदर, लोखंड वाला रेसिडेंसी, सो बात हो गई है कस्टमर से। चलो अभी यार एक घंटा दिखा रहा है भाई, ट्रैफिक था जाने के लिए बहुत ही ज्यादा, बट सीलिंग का एक बेनिफिट मिलेगा अपने को, ₹50 टोल। 11:30 हो गए और कस्टमर को ड्रॉप कर दिया, मैं अंधेरी पहुंच गया हाईवे पे हूँ सिग्नल पे, और फेयर देखो कितना अच्छा मिला है दोनों भी ट्रिप का, पर बाहर से उल्टा अच्छा फेयर मिला। अभी ये देखो 18 किलोमीटर का 345 मिला, ये एयरपोर्ट से लेके गया था 33 मिनट्स लगा है, और उसके बाद ये 372 रुपीज़ मिला है 17.5 किलोमीटर का और 50 मिनट लगा है। सो ये दोनों टोल जो है ना ₹200 है, लेकिन मुझे ₹50 का बेनिफिट मिला है। गाड़ियाँ ही नहीं है भाई, सिर्फ 25 गाड़ी है, सो फटाफट मेरा ब्रिज पकड़ के एयरपोर्ट चलता हूँ। क्या लगता है आपको, उबर देगा बुकिंग घर की तरफ की, क्योंकि अभी तो ये लास्ट बुकिंग ही होने वाली है, अभी जो है ना घर की तरफ ही जाना है। देखते हैं बुकिंग देता है कि नहीं उबर या ओला, दोनों में से जिसमें भी आएंगे ना मैं लेके चले जाऊंगा। अभी तो मैं ब्रिज उतरा भी नहीं है और जो है ना वो बुकिंग मिल गई है उबर में, जो है ना वो बुकिंग ले ली है मैंने कलम बोली की। ये भाई साहब है ना फोन नहीं उठा रहे, अभी कब से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं भाई ये बुकिंग शायद कैंसिल होगी। मैं अभी अभी जो है ना एयरपोर्ट से जो है ना वो दो ट्रिप जो है ना वो कैंसिल हुई है, तो 24 घंटे के लिए उबर ने जो है ना मेरे आईडी पे एयरपोर्ट ट्रिप बंद कर दी है। तो ये देखो कुछ इस तरह से है, लोकल का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ इंटरसिटी और शटल का ऑप्शन आ रहा है। सो एयरपोर्ट से अभी ट्रिप बंद हो गई है, पहले एक नेरुल की ट्रिप आई वो ऑटोमेटिक कस्टमर ने कैंसिल की, और उसके बाद जो है ना एक कलमबोली की ट्रिप आई वो कस्टमर ने कॉल ही नहीं उठाया 15-20 मिनट रुकने के बाद, मैंने खुद ही कैंसिल की। उसके बाद जो है ना ओला में बुकिंग आई है सानपाड़ा की, तो मैंने ले ली है, अभी पिकअप करके चलते हैं सानपाड़ा। सुबह 1 हो रहे, ओला ने कितना दिया है ₹490 दिए, 23 किलोमीटर लिखा है 44 मिनट्स लिखा है, ठीक है। ये चीज के लिए जो है ना मतलब मुझे ना ओला यार क्या बताओ यार, 27-28 किलोमीटर हुआ बाई डिफॉल्ट, ये रूट जो है ना 23 किलोमीटर वाला रूट कौन सा है पता है, ये वो रूट है जो साकीनाका होके जाता है सीधा घटकोपर के यहाँ पे निकलता है, जैसे P4 से बाहर निकलते हैं आगे जो अंधेरी कुर्ला वाला रोड है वहां पे कनेक्ट होने के लिए ही पूरा जाम था। और ओला का जो है ना वो गूगल मैप को फॉलो नहीं करता है, ओला वो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो अपने खुद का जो है ना वो मैप फॉलो करता है, सबसे जो कम किलोमीटर वाला रूट होता है वो उसके हिसाब से फेयर बनाता है कस्टमर को दिखाता है, और जब भी हम लोग जब भी उसको पिकअप करते हैं और जैसे मैप ऑन करते हैं तभी जाके जो है ना वो गूगल मैप सबसे फास्ट रूट दिखाता है। सो ये 28 किलोमीटर की राइड थी जबकि इसमें 5-6 किलोमीटर का फेयर बढ़ना चाहिए, इसमें जो है ना वो फेयर बढ़ा नहीं, और इसीलिए जो है ना ओला चलाने के लिए मूड ही नहीं करता है मेरा। क्या टीटी कर रहा है, जा 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 भाई, इतना टीटी बंद कर, किधर गाई है तेरे को, पूरा रोड खाली है। सो मेरी एयरपोर्ट की ट्रिप बंद हो गई 24 घंटे के लिए, जिसके लिए मुझे ओला में लेनी पड़ी बुकिंग, अदरवाइज जो है ना मैं उबर ही लेके आता, वो प्रॉपर था ठीक था, जो है ना उबर प्रॉपर जो है ना बाहर की कंपनी है, सो प्रॉपर गूगल मैप फॉलो करती है और गूगल मैप से ज़्यादा एक्यूरेट कोई भी मैप नहीं है, सो उस हिसाब से वो बिल कैलकुलेट करता है और ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, बट यूज़ करता है बाद में गूगल मैप ही यूज़ करता है ओला। 3 पॉइंट CNG है ना अभी भी बाकी है, सो देखते कितना CNG आता है। 5-6 गाड़ी है आगे, ₹432 में फुल हो गया। सो गाड़ी चली है 125 किलोमीटर, उबर के साथ 3 ट्रिप कंप्लीट की है, ₹1308 का काम हुआ है, ओला के साथ 2 ट्रिप कंप्लीट की है, एक तो अभी जो है 490 और एक 391, 2 ट्रिप कंप्लीट की है। सीलिंग का जो है ना अप डाउन वाला एक ₹50 वाला वो बेनिफिट हुआ है, तो अराउंड जो है ना ₹2240 की टोटल अर्निंग हुई है। CNG जो है ना ₹431 का अभी फुल हुआ है, ₹1800 के आसपास जो है ना प्रॉफिट हो गया है। आज जो है ना मेरी बेटी का बर्थडे है पंक्ति का, कॉल किया था मैंने 12 बजे वीडियो कॉल, अभी जैसे मैंने घर पे पूछा तो भाई बच्चे लोग सो गए, अदरवाइज मैं जा रहा था 24 आवर्स मेडिकल में, कुछ चॉकलेट वगैरह लेके जाता था कैडबरी वगैरह, बट ठीक है अभी सो गए तो फिर अभी कल ही सेलिब्रेट करेंगे जो भी है। सो गाइज अभी जो मैंने आज वीडियो डाला है ना तो उसमें कुछ कमेंट्स है, तो मैं एक दो कमेंट्स देखता हूँ जैसे फटाफट आपको बताता हूँ इसमें क्या है। सो ये है मुंबई 400, सो इनकी कमेंट्स है कि सर एयरपोर्ट में 2 बुकिंग कैंसिल होने के बाद जो है ना आईडी बंद हो जाता है क्या है। सो कैसा है कि अगर उबर क्या करता है एयरपोर्ट से लिमिटेड बुकिंग देते हैं, वो है ना वार्निंग देते हैं, 4 बुकिंग बचती है उसके बाद नंबर वापस पीछे चले जाते हैं, वार्निंग आती है,
फिर चार बुकिंग बचती है, फिर वापस वार्निंग आती है। तो इस तरह से एक दो बार वार्निंग देने के बाद आईडी जो है ना वो 1 घंटे के लिए बंद कर देता है। बट अगर कैंसिल हुई, कस्टमर करे या आप करो, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कस्टमर ने 2 बार कैंसिल की, सेम कस्टमर ने 2 बार बुकिंग मुझे ही आई और दोनों भी बुकिंग उसने कैंसिल की, और उसके बाद मेरा जो है ना आईडी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था ऊबर ने। तो इसमें ऐसा है कि अगर एयरपोर्ट से आपकी ट्रिप कैंसिल होती है तो 24 घंटे के लिए आईडी बंद हो जाता है, एयरपोर्ट से आप ट्रिप ही नहीं ले सकते हो। जैसे एयरपोर्ट में जाओगे तो आपका जो है ना उबर गो प्रीमियर जो भी रहेगा वो बंद हो जाएगा। सो ऐसा है, चंडीगढ़ में पूरी एक साइड 15 किलोमीटर है तो उसमें क्या ही कमाएंगे, तो भाई कैसा कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो सिटी की कैपेसिटी उतनी है सो उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई और काम ढूंढ सकते हो, या तो फिर आप पॉसिबल है तो कोई सिटी, अगर सेम ही काम करना है आपको तो फिर कोई सिटी चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप जो है ना कोई और काम कर सकते हो जिसमें इसके आसपास की अर्निंग हो जाए आपकी। भाई कैंसिलेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, भाई मिनिमम होना चाहिए जितना भी हो सके, मैं तो बोलूँ 10% के नीचे आपका जो है ना कैंसिलेशन रेट होना चाहिए, तभी आपको ऊबर जो है ना अच्छी बुकिंग देगा। आप छोटी बुकिंग लेंगे तो आपको ऊबर छोटी बुकिंग ही देगा बार बार, अगर आप बड़ी बुकिंग लेंगे अच्छे रेट वाली लेंगे तो अच्छी ही बुकिंग देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का मिक्सचर करके आपको जो है ना अर्निंग करनी होती है, तभी जाके जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे दिन में आपने 10, 12, 15 छोटी छोटी बुकिंग कर ली। मेरा आप लोगों ने ब्लॉग देखा रहेगा, पिछले ब्लॉग में 15 बुकिंग 16 बुकिंग 14 बुकिंग सब छोटी छोटी बुकिंग करके एक बड़ा अमाउंट बनता है। कभी ऐसा होता है कि 4 या 5 बुकिंग में ही जो है ना साला 3,000, 3,500, 2,500 हो जाता है। सो ऐसा दोनों का मिक्सचर करके चलना पड़ता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइप की बुकिंग करनी है, सब मिक्स करके आपको जो है ना वो काम करना पड़ता है। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।